जहाँ पे जा रहा हूँ ये है इंडिया और इंडिया नहीं, ये है बांग्लादेश। और अब तो सीढ़ी ऐसे चल रहा हूँ मैं, ये देखो, ओ गॉड, यहाँ पर लोग रूट से ही ब्रिज बनाते हैं। ये देखो ये टाइम, देखो इसमें टाइम हो रहा है 1:18, लेकिन धूप अभी तक नहीं निकली है और हमारे शहर में कड़ाके की धूप है। यहाँ पे इतनी सारी ज़्यादा ठंडी है, देख रहे हैं। यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ अभी, अंदर फ़ोन चार्ज लगाया हूँ, जहाँ पे खाना खाया मैं, यहाँ पे वेज खाना मिल जाता है आसानी से, तो यहाँ पे मैं खाना खाया, फ़ोन चार्ज लगाया, 10 मिनट बाद चार्ज लेके फिर निकलूँगा मैं यहाँ से आगे। अभी मैं आपको बांग्लादेश दिखाता हूँ ना, तो हम एक व्यू पॉइंट में पहुँचे हैं जहाँ से हमें बांग्लादेश दिखता है। भैया ने बोला कि चलो शूट कर लो, और अभी हम बांग्लादेश शूट करें। या ये देखो जहाँ पे खड़ा हूँ, ये है इंडिया और यहाँ का व्यू देखो, जिस तरह से अभी फॉग बिल्कुल नहीं है, तो अभी हमें इसलिए दिख पा रहा है, वहाँ पे जो पानी दिख रहा है वहाँ पे आप देख रहे हो है ना, तो ये हमारा देश नहीं है, इंडिया नहीं है, ये है बांग्लादेश। तो अभी फ्लड भी आया हुआ, आप न्यूज़ में देखे होंगे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा पानी पानी पूरा दिख रहा है। और ये जो पहाड़ है हमारा खूबसूरत सा, ये हमारा देश इंडिया है। यहाँ आयन भाई ने मुझे यहाँ तक छोड़ दिया टेरना विलेज में, और यहीं से अंदर जाया जा सकता है, और उन्होंने 100 रुपये लिया मुझे 18 किलोमीटर लाने के लिए। यहाँ पर ट्रैवलिंग बहुत कॉस्टली है, बोले 50 रुपये दोगे तो मैं यहाँ नीचे तक छोड़ दूँगा। तो मैंने कहा मेरा बजट थोड़ा कम है, मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं मैनेज कर लूँगा, तो वो बोले कि ठीक है। और यहाँ के लोग यार, मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा है ना, लोग इतने हेल्पिंग नेचर, इतने काइंड है ना, कि क्या ही बताऊँ। कि ये आयन भाई मुझे ऐसे मिले कि मैं दूसरे टैक्सी से बात कर रहा था, टैक्सी वाले ने ना रुक के आधा घंटा मेरा वेट किया, बोला टैक्सी में बैठे हो, आपका बैग भारी भी है, वेट करो, उसके बाद गाड़ी आके मैं आपको उठा दूँगा। कॉल करके इनको बुलाया, ये आया मुझे अकेले पूरी गाड़ी लेके 20 किलोमीटर छोड़े, 100 रुपये लिए। तो ऐसे लोग हैं यहाँ पे, बता ही रहा था ना कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। तो एक टैक्सी वाले भैया अंकल मिल गए थे, उन्होंने बोला चलो छोड़ देता हूँ फ्री में गाँव तक, नीचे तक मुझे फ्री में टैक्सी से छोड़ दिए, और मैं इस गाँव में अंदर आ गया। और मैं यहाँ पे कह रहे हैं कैंपिंग के लिए परमिशन नहीं, बहुत हैवी रेन होता है, तो मुझे होम स्टे हायर करना होगा। और अभी मैं होम स्टे ऊपर हायर नहीं किया, मैं सोच रहा हूँ जितना जल्दी मैं नीचे पहुँच जाऊँ वहीं पर हायर कर लूँगा, जैसा भी जो भी होगा। तो कह रहे हैं 500-600 तक मिलेगा कम से कम, तो देखते हैं। यस, और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, आप कहाँ से हो? मैं गुवाहाटी से हूँ। ओके ओके, ठीक है, बाय बाय बाय। सत्यम ब्लॉग्स, या बिल्कुल श्योर। तो ये देखो वाटरफॉल्स, यार मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरे पैर जो शेक हो रहे हैं अभी से, कह रहे हैं अभी तो शुरू हुआ है। छोटी सी ना तो वो हो गई मुझे टेंशन, क्या है कि लोग कह रहे हैं ना कि 4 घंटा लगता है जाने में, 4 घंटा लगता है आने में, और वो जो वहाँ पे होम स्टे है वो होम स्टे नाम से कुछ नहीं है वहाँ पे, तो कैंपिंग के लिए अलाउ नहीं है, बहुत महंगा भी होगा वो, तो थोड़ी सी टेंशन होगी, देखता हूँ अगर नहीं होगा तो फिर वापस आना पड़ेगा, कल फिर जाऊँगा सुबह। हाँ, ये बहुत लंबी लंबी सीढ़ियाँ कह रहे हैं, 6 किलोमीटर ऐसी सीढ़ियाँ उतरनी है आपको, बहुत डिफ़िकल्ट है यार जाना। मुझे वैसे लग रहा है अकेले जाने का जो मेरा डिसीजन था वो गलत तो नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है, और कह रहे हैं अभी तुम शुरुआत भी नहीं किए हो और मेरे पैर अभी से कांपने लग गए हैं। यहाँ पर अकेले आने की गलती मत करना, मैं पहुँचने से पहले बता दे रहा हूँ कि बहुत डाउन, बहुत ज़्यादा डाउन है ये। देख रहे हो, मैं कुछ लोगों से पूछा कि इतना मेहनत करने करना वर्थ इट है नीचे जाने के लिए, उन्होंने कहा हाँ, तो पैरों में थोड़ी सी ना झंझनाहट कम हो गई, और एंड आई एम गोइंग। ठीक है, ये सावधानी हटी, काम खत्म। देख के इजी लग रहा है ना, लेकिन बिल्कुल इजी नहीं है, बहुत टफ है यार। अभी कह रहे हैं 1 घंटा और है यहाँ से, एक भाई साहब जा रहे थे, उनको मैंने कैमरा दे दिया है,
थैंक यू सो मच फॉर होल्डिंग माय कैमरा। एक घंटा लेगा यहाँ से जाने में। इट एक्चुअली इट्स वर्किंग ऑलरेडी। टैप टैप ऑन द डिस्प्ले। या उनको लगा कैमरा बंद हो गया और देख रहे हो इतना नीचे है यहाँ से। अगर पैर फिसला ना कम से कम। यू अंडरस्टैंड? नो नो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बातें कर रहा हूँ आपसे। और क्योंकि यहाँ पे इनका जो रीजनल लैंग्वेज है वो समझते हैं इंग्लिश, इसे बहुत समझ में आते हैं। साला इतना थक गया हूँ ना कि यार गाली आ रहा है यार। पैर देखो कैसे चलना होंगे। ये देखो चल नहीं पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है लंगड़ा हो गया मैं यार। कैमरा भी होल्ड नहीं कर पा रहा, कैमरा का भी वेट ऐसा लग रहा है ज़्यादा हो गया है। ये है रूट जाने का। यार डर लग रहा है इससे चलते चलते मरने जाऊँगा। यहाँ पे जा रहा हूँ यार, ये वायर कैसे आया होगा यहाँ पे, बनाया होगा छोड़ दो दूर की बात, आया कैसे होगा इतना भारी सोचो। और यहाँ पे खाऊंगा क्या, रहूँगा क्या, जो बनाए होंगे वो सामान कैसे आएगा? अगर कॉस्टली होगा भी ना तो वो वर्थिट होगा, बस मेरे पास उतने पैसे नहीं है बस रहने के लिए। लेकिन अगर कॉस्टली होगा ना तो वो ज़्यादा कॉस्ट नहीं होगा बस। पैर ना फिसल जाए यार, डर लग रहा है ना। मैं जा रहा हूँ इस नदी को पार करते हुए, बहुत डर लग रहा है इसको पार करते हुए, क्योंकि क्या पता गड़बड़ हो जाए, गिर जाऊँगा यार, मर जाऊँगा। पंचर हो गया हूँ यार। एक नदी अभी क्रॉस किया था ना, 15 मिनट बाद दूसरी नदी आ गई, 20 मिनट। और अब तो सीढ़ी ऐसे चल रहा हूँ मैं। ये देखो अरे लोग कह रहे हैं वापस भी आ जाना, पागल हो गया, वापस कौन जाता है? एक बार आ गया ना 3-4 साल तक यही रहना, क्योंकि इसको रिपेयर होने में पैर को ना उतना समय लग जाएगा मेरे को, 3-4 साल टेढ़ा मेढ़ा हो गया सर। एक नदी क्रॉस किया था ना, अभी दूसरी नदी आ गई। इसका जो पुल है थोड़ा मजबूत और भारी है और इस पर हम जा सकते हैं। ये देखो तो यहाँ पे अपन जा सकते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल है यार ये। यह तो वीडियोस भी बनाऊंगा मैं। ओहो ये देखो, ओ गॉड, और ये रहा पुल, नदी का पानी कैसे जा रहा है देख रहे हो? तो ये तो कुछ नहीं है भाई, अभी दिखाता हूँ। थकान ऐसे दूर हो गई ना, ऐसा लगता है जादू किसी ने कर दिया। इसको पुल ऐसे ऐसे मुझे जंप कर रहा है और पानी किस तरह गिर रहा है वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो ज़रा, यहाँ ये नदी है और ये देखो वो पुराना पुल यार, आज छोटा सा था पहले, अभी नया बनाया गया ये वाला पुराना पुल देख रहे। और यहाँ पर बैठे यार अभी भी इतना साफ़ पानी, इतना बारिश में भी। और तुम्हारा भाई यहाँ पर खड़ा है, फ़ोटो ले लेता हूँ पहले। लगता है यार यहाँ पर लोग रूट से ही ब्रिज बनाते हैं। देखो ये भी लिविंग रूट है, इससे छोटा सा ब्रिज बनाया गया है ना, तो बहुत मजबूत है रूट है। पानी देखो डबल डेकर ब्रिज लिखा हुआ है और ये अलग अलग चीज़ें हैं। डबल डेकर ब्रिज इधर जाता है, तो ये लोकल यहाँ का गांव है, पूरा पहाड़ी है। यार एक चीज़ को मैं लेके बहुत परेशान हूँ, लोग सीमेंट ईंटा पत्थर और इतना सब कुछ लोहा लाकर कैसे लेके आते हैं? इतना सारा घर बना दिए हैं हम लोग के लिए, रूम 300 रुपये में सिर्फ रूम है, पता है 300 में, और बहुत अच्छी फैसिलिटी है वो शहर में 1000 रुपये लेते हैं उसी रूम का। तो यार लिटरली यार थोड़ा सा तो महंगा होना चाहिए। खैर भाई डबल डेकर ब्रिज में पहुंच गया हूँ, सब कुछ दिखाऊँ देख करके। और ये है डबल डेकर ब्रिज, तो देख रहे हो ना ये है, और यहाँ से देखो नदी जा रही है। और एक बंदे ने मुझे रास्ते में बोला था कि नदी में पैर डाल के बैठोगे ना बहुत अच्छा फील होगा,
कितना अच्छा फील हो रहा है यार। देख रहे हो ठंडा हो गया पूरा, ये देखो पानी के अंदर जा रहा हूँ। इतना घूमने के बाद मैंने सोचा चलो फाइनली अब जो इतना फेमस डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज है उस पर चल के एक एक्सपीरियंस ले लिया जाए। तो अभी मैं पैदल चलते हुए कैमरा यहाँ पे होल्ड करके मैं लिविंग रूट ब्रिज पे खड़ा हुआ हूँ और देख सकते हैं कि किस तरह से ये दोनों ब्रिज है। और ये जो ब्रिज है ना रूट से बनाया गया, जड़ों से, जो सामने बगल में आपको पेड़ दिख रहा है ना उसके जड़ों से बनाया गया है। तो ये जो है जब बनाया गया था बहुत पतला था, उतना मजबूत नहीं था, लेकिन ये जड़ है ना समय के साथ मोटा होते जा रहा है और ज़्यादा मजबूत होते जा रहा है, इसीलिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हमारे जो हमारी भारतीय सरकार, हमारे मोदी जी जो हैं वो अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने के लिए कुछ प्लानिंग भी चल रहा है कि बहुत स्पेशल चीज़ है ये, यही है, इसीलिए पूरी दुनिया इसी दोनों ब्रिज को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। थोड़ा सा कपड़ा पड़ा लेके जा रहा हूँ यार, बहुत ज़्यादा थक गया था, पसीने से भीग गया था। अब मैं जा रहा हूँ इस पानी में नहाने के लिए, बहुत ठंडा पानी है, मज़ा ही आ जाने वाला है आज। ओह बहुत ठंडा यार। चलो ये मुझे तीन भाई लोग यहाँ पे मिले हैं और ये रांची से आप लोग है ना? हाँ रांची से। ये सब लोग रांची से हैं और काफ़ी देर से नहा रहे हैं। क्या नाम है आपका? विकास। विकास आप क्या भैया? बंटी। हाँ बंटी भाई है। और आप? अनुज भाई है ये। 1 2 3 मजा आ गया। यहाँ पे पेडिग्री हो रही है सो चलो देखते हैं ना। ओह माय गॉड, मेरे पैर में काट रही बच्ची बहुत सारे। हम कह सकते हैं नेचुरल स्विमिंग पूल। ये इतना डीप है अभी, ये अच्छा नहाने लायक है। 1 2 नेचुरल स्विमिंग पूल। और ये देखो पानी यहाँ पे बह रहा है और मैं यहाँ पे चारों तरफ मछलियाँ यार काट रही हैं। 1 2 3 एंड मज़ा आ गया। ये मैगी आ गई तो मैं यहाँ पर मैगी खा रहा हूँ। ये जो है माय रूम, ये मेरा रूम है और घड़ी लगी हुई है, चलती नहीं है, एक लाइट यहाँ पर लगा हुआ है और मॉस्किटो नेट है और यहाँ पर रखा हुआ हूँ। चलो बाय बाय, गुड नाइट।